यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें द स्टडी नॉलेज डॉट कॉम, वहां पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम अति लघुत्तरी यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें दो टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, एक फर्स्ट करके दिया गया है और एक सेकेंड करके दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम सेकेंड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में कराते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 के आगे बताना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका भाग नंबर 4 है। तो आइए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको पूछा जा रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। प्रकीर्णन पर आधारित रमन प्रभाव क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं, तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रकाश का प्रकीर्णन पहले हेडिंग डाल के हम लिखना प्रारंभ करेंगे। कैसे समझेंगे ये समझिएगा कि माध्यम में कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा के, ठीक है, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसकी प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशा में पुनः विकिरित करने की क्रिया को, ठीक है, क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही समझना आपको है कि माध्यम के कणों द्वारा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, अवशोषित करने के बाद अन्य दिशा में, पुनः अन्य दिशा में क्या करता है, विकिरित करने की जो क्रिया होती है ना वही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। अब हम समझेंगे कि रमन प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो समझिए बेंजीन जैसे कार्बनिक द्रव, ठीक है, बेंजीन जैसे कार्बनिक द्रव प्रकाश के तीव्र किरण पुंज को डालकर उससे प्रकीर्णित प्रकाश का अध्ययन करते हुए देखा कि प्रकीर्णन प्रकाश में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी की रेखा के अतिरिक्त, ठीक है, उससे कम आवृत्ति V-V1 V-V2 तथा आगे क्या है, तथा उससे अधिक आवृत्ति V+V1 V+V2 की भी रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्या होती है, रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें स्टोक रेखा कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को रमन स्पेक्ट्रम तथा इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं आप लोग कि इसमें बताया जा रहा है कि जो बेंजीन जैसे कार्बनिक द्रव, ठीक है, जैसे प्रकाश बोला जा रहा है द्रव प्रकाश की तीव्र किरणें पुंज को डालकर उससे प्रकीर्णित प्रकाश का अध्ययन करते हुए, ठीक है, देखा कि प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी की रेखा में अतिरिक्त उससे कम आवृत्ति माइनस क्या आवृत्ति, तो क्या हो जाएगा V-V1 और V-V2 तथा उससे अधिक आवृत्ति, जब अधिक आवृत्ति बोले तो V+V1 और V+V2, अगर कम बोले तो V-V1 और V-V2, ठीक है, कि वे रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें स्टोक, ठीक है, जिन्हें स्टोक रेखा कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, स्टोक रेखा भी कहते हैं जिन्हें। और क्या बताया जा रहा है इसमें, इस स्पेक्ट्रम को रमन प्रभाव, रमन स्पेक्ट्रम तथा इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो कंडीशनल क्वेश्चन है, कारण वाला है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है ना, वो प्रकाश की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की तुलना में क्यों अधिक होती है, सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको। तो आइए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आजकल अति सूक्ष्म वस्तुओं को, ठीक है, सॉरी, अति सूक्ष्म वस्तुओं के चित्र लेने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है, काम में लाया जाता है। किस काम में लाया जाता है? वस्तुओं के चित्र लेने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, काम में लाया जाता है। इसमें प्रकाश पुंज के स्थान पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज को प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? इसमें बोला जा रहा है कि इसमें प्रकाश पुंज के स्थान पर कौन सा होता है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज को प्रयुक्त करते हैं यानी उपयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की यह क्या है? इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की तरह व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, जिसकी, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली के सिद्धांतानुसार, मतलब डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार एच लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी बहुत छोटी अर्थात एक एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी इकाई होती है तो उसी के आकार की होती है, ठीक है। यह दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से लगभग 5000 गुना छोटी होती है। अब सोच सकते हैं आप लोग, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी छोटी होती है, ठीक है, तो इसका 5000 गुना छोटी होती है, परंतु विभेदन क्षमता तरंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशी सूक्ष्मदर्शी की तुलना में लगभग 5000 गुना अधिक होता है। तो यही इसमें बताना, यही पूछा जा रहा था कि सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक क्यों होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला जा रहा है क्या, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब व्यतिकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, किसके लिए? व्यतिकरण के लिए, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले आपको एक बहुत जरूरी बात बता देना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उसको एक बार रिविजन प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी तैयारी में एकदम लगे होंगे, और इस टाइम तो आप लोग के कुछ विद्यालय के प्रैक्टिकल भी चालू हो चुके हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिकल भी आप लोगों का चल रहा होगा, तो आप लोग तैयारी भी एक अच्छे से करिए क्योंकि पेपर आप लोगों का बहुत ही करीब आ रहा है, तो फिर तैयारी जरूरी है। चलिए तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, समान आवृत्ति की, ध्यान दीजिएगा, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, क्या हो? जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, किसमें? किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के भिन्न योग से भिन्न होती हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम का मतलब लगभग शून्य होती है, ठीक है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक। चलिए तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर सकते हैं कि जो इसमें बताया जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश किरणें, ठीक है, एक समान आवृत्ति का दो प्रकाश किरणें जिनके आयाम समान हो, समान क्या हो? उसके जो आयाम है वो क्या हो? एक समान हो जब किसी माध्यम में
एक साथ चलती हैं, यानी जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं या एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। ठीक है, यही है इसका जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसी का इसका यही फंडा है। बस ये आप लोग समझ लीजिए और आपको व्यतिकरण में कुछ समझना नहीं है ज्यादा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ स्थानों पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम होती है, यानी न्यूनतम होने का मतलब कि ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, लगभग शून्य कह सकते हैं। जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, कुछ पे तो शून्य होती है, बहुत कम होती है, और कहीं कहीं अधिकतम होती है। क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसमें इसमें बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि प्रकाश का प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो हम प्रकाश के व्यतिकरण से इतना समझते हैं, और बात किया जाए इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है ये समझना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या प्रतिबंध है उसको हम समझ लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्या है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है ना। चलिए, तो समझिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। कौन कौन से हैं, हम इसको समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका क्या, इसको समझिए। पहले में आपको बताया जा रहा है दोनों तरंगों की आवृत्तियां, ठीक है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो दोनों तरंगे हैं उनकी आवृत्ति यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमको दिया गया है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। किसके, जो दोनों तरंग होती हैं उनके जो आयाम होते हैं वो क्या होने चाहिए, वे दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए तीसरे पॉइंट में आपको बताया जा रहा है क्या, कि ये जो प्रकाश की व्यतिकरण इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, यही आपको बताया जा रहा है। तो दो में हमने आपको बता दिया, तो तीसरा हम बताने वाले हैं। तीसरे में क्या बताया जा रहा है कि तीसरे में प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी कम होती है क्या, होनी चाहिए। ठीक है, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजे, ठीक है, फ्रिंजे अधिक चौड़ी बने। पता है ना कि जो प्रकाश की दोनों स्रोतों के बीच दूरी है वह बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, जिससे क्या हो, दोनों तरंगाग्रों के एक ही दिशा में चलें। जो दोनों तरंगाग्र होंगे, दोनों तरंगों के जो दोनों तरंगाग्र होंगे वो एक ही दिशा में चलें, और एक ही दिशा में चलने से क्या होगा कि फ्रिंज की जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई जो है वो अधिक बनेगी, तो अधिक चौड़ी बनेगी उसकी फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, चलिए, अब चौथा पॉइंट समझना है हमको। चौथे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होनी चाहिए। संकीर्ण का मतलब समझ रहे, बहुत सक्रिय होनी चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकाश के स्रोत, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, उसको भी समझा देते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। तो व्यतिकरण और विवर्तन दो अलग चीजें हैं, इसमें क्या अंतर होता है यही हमको बताना है। ठीक है, तो समझिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। तो एक साइड हम लिखेंगे व्यतिकरण और एक साइड लिखेंगे हम विवर्तन। तो पहले हम इन दोनों में कंपेयर करके अच्छे से इसका अंतर स्पष्ट करेंगे, तो ये जो होगा इसका जस्ट उल्टा ये होगा, ऐसे आप समझिएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में और अच्छे से आएगा और रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए इसमें क्या बताया जा रहा है व्यतिकरण में, कि यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली दो पृथक्कृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। तो व्यतिकरण में यह बताया जा रहा है कि जो यह घटना है, जो व्यतिकरण का घटना होता है, यह दो कला समान स्रोतों से चलने वाले दो पृथक्कृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपित का परिणाम है। ठीक है, और जस्ट इसमें यही बताया जा रहा है विवर्तन में, क्या बताया जा रहा है,
कि विवर्तन बताया जा रहा है कि यह घटना एक ही तरंगाग्र, यहाँ देखिए यहाँ बोला जा रहा है दो कला संबंध, ठीक है, और इसमें यह घटना एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण के कारण का परिणाम होता है, ठीक है। तो बस समझना ये है कि इसमें यह घटना जो होती है दो कला संबद्ध स्रोतों के से चलने से होती है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आइए ये देखिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है दूसरे पॉइंट में कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होती है। तो व्यतिकरण में जो दीप्त फ्रिंज होती हैं, इसमें सभी दीप्त फ्रिंज एक समान तीव्रता की होती हैं, सब एक ही समान होंगी, ठीक है। और जस्ट इसमें बताया जा रहा है इसके बाद कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं, इसमें एक समान तीव्रताओं की होती है, इसमें विभिन्न तीव्रताओं की होती है, तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। क्या होती है, इसमें तीव्रता के घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि तीसरे पॉइंट में इसमें सभी फ्रिंजे, सॉरी यहां पे फ्रिंजे रहेगा, ठीक है, तो इसमें सभी फ्रिंजे समान चौड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें जो सभी फ्रिंजे होती हैं समान चौड़ी होती हैं, ठीक। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें फ्रिंजे समान चौड़ाई की नहीं होती हैं, इसमें होती हैं इसमें नहीं होती हैं। तो अंतर कितना ही सिंपल है, इसमें फ्रिंजे की चौड़ाई एक समान होती है, इसमें फ्रिंजे की चौड़ाई समान नहीं होती है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है चौथे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतः, ठीक है, अंधकारमय होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो निम्निष्ठ होते हैं ये प्रायः पूरी तरह से अंधकारमय होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जस्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है कि इसमें ऐसा नहीं होता है, किसमें विवर्तन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये व्यतिकरण में ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। तो हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, आज हम आपको 13 क्वेश्चन तक बता चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। तो अब इसको जल्द से जल्द, ये थ्योरेटिकल है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही और समझना भी पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। तो जो थ्योरी होता है उसको तो याद करना ही पड़ेगा, ये तो समझ में आता ही आपको। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और रही बात इंग्लिश हिंदी की, तो अब आप लोगों को जो हिंदी इंग्लिश है वो भी स्टार्ट होने वाला है और हो जाएगा जल्द ही, आज या कल से आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका जो 6 के 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्टों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाने वाली है। तो आप लोग भी एकदम लगे रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा तो कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। और जो मैथ है आपका वो तो सूरज सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं आपको, ये तो आप लोगों को पता है, और उसके साथ वो आपको बायोलॉजी के साथ साथ हिंदी को दे लेते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगे, ठीक है। और रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की, तो ये हम आपको जरूर बताएंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर